हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में आप ट्रेंड में चल रही साइड प्लेटेड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। और इस प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए मेरे पास है 2.5 मीटर का कॉटन फैब्रिक और फैब्रिक की विड्थ है 40 इंच की। और देखिए, इस वीडियो में मैंने बेहद आसान तरीके से कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताई है, आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो कुर्ती कट करने के लिए कपड़े को लंबाई में इस तरह से 2 फोल्ड कर लें, ये कपड़े की चौड़ाई वाली साइड है। तो कुर्ती कट करने से पहले पैटर्न को ज़रूर चेक कर ले। ये देखिए, जो मेरे पास फैब्रिक का जो पैटर्न है वो इस तरह से है कि अगर मैं इसे 2 फोल्ड करके कट करूँगी तो इसका एक जो पैटर्न है वह ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरा नीचे की तरफ। तो आप भी इस तरह के पैटर्न पर बना रही हो तो कपड़े को 2 फोल्ड करके इसे सेंटर में से कट कर दें। और अगर फोल्डिंग के बाद पैटर्न दोनों पल्लों पर सेम आ रहा है तो इसे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक पल्ले को मैं पलट के दूसरे पल्ले के अकॉर्डिंग रख लूँगी। अब इस कपड़े को हमें 4 फोल्ड कर लेना है। तो दोनों पल्ले एक साथ कट करने के लिए कपड़े की हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेनी है। बंद वाली साइड मैंने अपने तरफ रखी है। अब कुर्ती कट करने के लिए सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करनी है। इस कुर्ती में शोल्डर की मार्किंग आपने 1/2 इंच ज़्यादा लेनी है। अब इस कुर्ती पर बैकनेक मुझे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए तो शोल्डर 7 इंच का आएगा, प्लस उसमें 1/2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लें। तो 7.5 इंच पर मैंने शोल्डर की मार्किंग करी है। अगर आपको बैक नेक डीप रखना है तो 7 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करें। अब आर्म होल की मार्किंग भी 7 इंच पर ही मैंने करी है। एक्सल साइज में ये मार्किंग आप 7.5 इंच पर करें। अब इन दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन के साथ इस तरह से जोड़ दें। अब इस मार्किंग पर जो भी आपका बस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट लें और प्लस उसमें 1/2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करें। तो मेरे मेजरमेंट में 1/4 पार्ट आया है 9 इंच पर। अब इसी के साथ 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन का भी निशान ले लें। अब वेस्ट लाइन के लिए मार्किंग करेंगे तो शोल्डर से नीचे वाली साइड पर 15 इंच पर वेस्ट लाइन की मार्किंग करें। अब इस मार्किंग पर जो भी आपका वेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट प्लस 1/2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करें। तो मेरे मेजरमेंट में ये मार्किंग आई है 1/4 इंच पर। इसी के साथ 1.5 इंच पर एक मार्जिन लाइन भी ड्रॉ कर दें। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देंगे, इसी के साथ मार्जिन लाइन को भी जोड़ दें। अब शोल्डर मार्किंग से 4.5 इंच अंदर की तरफ सेंटर पैनल के लिए मार्किंग करेंगे। अब इस 4.5 इंच की मार्किंग को कपड़े की पूरी लंबाई पर इसी तरह से मार्क करना है। और ये निशान मैंने 4.5 इंच पर ही क्यों लिया है, क्योंकि 3 इंच का मेरे नेक की चौड़ाई आएगी। नेक की चौड़ाई से ये मार्किंग आपने 1.5 इंच ज़्यादा करनी है। अगर आपकी नेक की चौड़ाई 2.5 इंच की है तो 1.5 इंच उसमें प्लस कर ले तो 4 इंच पर ये आपकी मार्किंग आएगी। अब इस मार्किंग पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से। अब इस कमर वाली मार्किंग को इस पैनल मार्किंग के साथ सीधा जोड़ देंगे। अब 1/2 इंच का शोल्डर ड्रॉप देंगे, इससे कंधे गिरने की प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इस पर पहले बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और फ्रंट आर्म होल की मार्किंग बाद में करेंगे। और 2.5 मीटर का फैब्रिक है, उसमें से पूरी लेंथ मैंने निकाल ली है। तो फैब्रिक की लेंथ है 45 इंच की, कुर्ती की रेडी लेंथ 44 की होगी। 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए जाएगा। अब इसे पैनल मार्किंग के ऊपर पहले सीधा कट कर ले। अब इस बाहर वाली मार्किंग के ऊपर भी इसे कट कर दें। अब कमर वाली मार्किंग के बराबर में इस कपड़े पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से, और इस मार्किंग पर इसे कट कर दें। तो कुर्ती की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और ये साइड का जो कपड़ा है इसमें से हम बाद में स्लीव कट करेंगे। तो कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो इसे स्टिच करने के लिए यहाँ पर जो बड़ा वाला पैनल है इस पर हमें प्लेट स्टडी करनी है। तो ये फ्रंट और बैक के 4 पैनल हैं जिस पर प्लेट्स बनाते हुए इस तरह से अटैच करना है, और सेंटर के 2 पैनल हैं जिसे हम इस तरह से अटैच करेंगे। तो साइड का एक पैनल मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी, बिल्कुल उसी तरह से आपने तीनों पैनल को रेडी कर लेना है। तो ये 4 पल्ले हैं, एक पल्ले को मैंने लिया है, बाकी को साइड में कर देंगे। और ऊपर वाली साइड से भी एक पल्ले को रखेंगे। तो इस पल्ले को नीचे वाले पल्ले पर ऐसे उल्टा करके रखें। और कमर के साथ जो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसकी मार्किंग कर ली है। अब यहाँ तक सीधी सिलाई करेंगे, इसके बाद इस पर प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। तो अब हम चलते हैं मशीन पर, तभी आपको ये स्टेप अच्छे से समझ आएगा। तो 1.5 इंच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ तक हमने सीधी सिलाई करनी है, उसके बाद इस पर प्लेट्स बनाना शुरू करें। तो अंदर वाली साइड पर इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए इस पूरे कपड़े को टॉप पार्ट के साथ एडजस्ट करेंगे। और कुर्ती के साइज़ के अकॉर्डिंग ये प्लेट्स आपकी कम ज़्यादा आ सकती हैं।
और प्लेट्स के अलावा इस पर आप धागा खींच के गैदरिंग्स भी बना सकते हैं। अब इसे सीधा करेंगे। प्लेट्स लगने के बाद बॉटम फैब्रिक से मैंने 2 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी को कट किया, जिसे मैंने इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके 1.25 इंच चौड़े एक पट्टी को रेडी कर लिया है। अब इस पट्टी को जॉइंट के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए अटैच करेंगे और सेम स्टेप को फॉलो करते हुए बाकी के 3 पैनल्स को इसी तरह से रेडी कर ले। तो ये मैंने चारों पैनल्स के ऊपर प्लेट्स लगा के इसे रेडी कर दिया है और सभी प्लेट्स का जो डायरेक्शन है उसे अंदर की तरफ रखें। अब हम साइड पैनल के साथ सेंटर पैनल को अटैच करेंगे। अब एक सेंटर पैनल को लिया है, इसे इस तरह से साइड पैनल के साथ हमें अटैच कर लेना है और दोनों पैनल्स पर साइड स्टिचिंग करने के बाद सेंटर का जो एक्स्ट्रा पैनल होगा उसे कट करेंगे। और इसी के साथ मैंने बॉटम फैब्रिक में से 4 डोरियों को रेडी किया है। इसके साथ मैंने टेसल्स को अटैच किया है और टेसल बनाने का वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डोरी को अटैच करने के लिए साइड पैनल के ऊपर जो हमने पट्टी लगाई है पट्टी के जस्ट नीचे इस तरह से मार्क कर लें और शोल्डर से स्टिच करते हुए जब हम इस मार्किंग तक पहुँचेंगे तो इसी मार्किंग पर हमें इस तरह से डोरी को भी अटैच कर लेना है और दोनों ही साइड पैनल्स के ऊपर एक एक डोरी को इस तरह से अटैच करेंगे और बाकी की जो 2 डोरियां बची हैं उसे दूसरे पैनल के साथ अटैच करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो एक पल्ले को मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी, बिल्कुल उसी तरह से आपने दूसरे पल्ले को भी रेडी कर लें। तो ये सेंटर का पैनल है, सेंटर पैनल के ऊपर साइड पैनल को ऐसे उल्टा करके रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पैनल को अटैच करेंगे। तो शोल्डर से सिलाई को शुरू करते हुए जब हम इस मार्किंग तक पहुंचेंगे, अब इस मार्किंग के ऊपर दोनों पैनल्स के बीच में डोरी को इस तरह से रख लें और फिर से इस सिलाई को कंटिन्यू करें। तो एक पैनल को हमने अटैच कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरे पैनल को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और सेम तरीके से जैसे दूसरे पैनल के ऊपर हमने डोरी को अटैच किया था बिल्कुल इसी तरह से इस साइड पर भी डोरी को अटैच करते हुए सिलाई को कंटिन्यू करेंगे और स्टिच लगने के बाद सेंटर के एक्स्ट्रा पैनल को कट कर दें और बिल्कुल इसी तरह से दूसरे पैनल को भी रेडी कर लें। अब इस पैनल के ऊपर हम बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस पैनल को इस तरह से 2 फोल्ड करें। अच्छे से फोल्डिंग करने के बाद नेक की विड्थ ली है मैंने 3 इंच की और नेक की डीपनेस भी मैंने 3 इंच की ही ली है। अब मार्किंग पर राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और इस मार्किंग के ऊपर नेक की कटिंग कर दें। तो बैक नेक की कटिंग होने के बाद इसे ओपन करें और नेक की फोल्डिंग के लिए 1 इंच चौड़ी और रे फैब्रिक पट्टी ली है, जिसे इस तरह से 2 फोल्ड करना है और इसे इस तरह से नेक के साथ अटैच करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करके नेक को रेडी कर दें। अब दूसरे पैनल को लिया है, इसके ऊपर फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे। तो 1/2 इंच अंदर की तरफ मैंने इस तरह से आर्म होल की गुलाई दी है। अब इसे कट कर दें। आर्म होल की कटिंग होने के बाद अब फ्रंट नेक को रेडी करेंगे। तो पल्ले को ऐसे उल्टा रखना है। तो बॉटम फैब्रिक के ऊपर मैंने फ्यूज़ पेपर के साथ राउंड वी नेक को रेडी करके रखा है और नेक की चौड़ाई है 3 इंच की और डीपनेस है 7 इंच की। इस पर आप कोई भी अपने पसंद का नेक रेडी कर सकते हैं। आप फ्यूज़ पेपर के साथ साथ सिलाई लगा के इस नेक को रेडी करेंगे। सिलाई लगने के बाद थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे, बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। अब एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं। नॉचेस लगने के बाद नेक को सीधी वाली साइड पर फोल्ड करें और फोल्डिंग के बाद इसे अच्छे से आयरन करें। अब फोल्डिंग के साथ साथ सिलाई करके इस नेक को रेडी कर लें। तो फ्रंट नेक भी रेडी हो चुका है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। इसके लिए बैक नेक को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और दोनों शोल्डर को अच्छे से मैच करते हुए शोल्डर की स्टिचिंग कर दें। और शोल्डर स्टिच होने के बाद अब इस पर हम फिटिंग की सिलाई देंगे। तो ऊपर से बस्ट और कमर के मेजरमेंट के हिसाब से इस तरह से सिलाई आएगी और उसके बाद साइड से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करेंगे इस तरह से। और इस कुर्ते को आप ओपन स्लिट के साथ भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आर्म होल से नीचे वाली साइड पर 15 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ तक सिलाई लगने के बाद बाकी के स्लिट को इस तरह से ओपन छोड़ना है और स्लिट को ऐसे डबल फोल्ड करके इस पर आप लेस भी अटैच कर सकते हैं, पर मैं इसे गोल घेर के साथ ही बनाने वाली हूँ। तो ऊपर से फिटिंग का निशान आएगा और साइड से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। बिल्कुल इसी तरह से ऊपर से फिटिंग देते हुए साइड से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर स्टिच कर देंगे।
तो साइड फिटिंग लगने के बाद अब हम स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो स्लीव कट करने के लिए कुर्ती की कटिंग के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था, ये 4 पीसेस में फैब्रिक है। तो जैसे हम नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं वैसे तो इसे कट नहीं कर सकते, क्योंकि 2.5 मीटर में हम बनाने चले हैं डिज़ाइनर कुर्ती, तो स्लीव पर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो जैसे हम नॉर्मल स्लीव की मार्किंग करते हैं वैसे पहले इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है। तो ये 3 इंच पर मार्किंग करी है, अब अंदर वाली साइड पर भी इस तरह से 3 इंच पर मार्क करें। अब आर्म होल की गुलाई की मार्किंग करेंगे, तो 1/2 इंच का यहाँ से मार्जिन छोड़ के आर्म होल की गुलाई के लिए मार्किंग करें। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए बस्ट मेजरमेंट का जो 1/4 पार्ट था उसमें से 0.25 इंच कम करने के बाद मार्किंग करें। तो मेरा बस्ट मेजरमेंट था 8.5 इंच पर, तो 0.25 इंच पर मैंने 0.25 इंच कम करने के बाद मार्किंग करी है। अब आर्म होल की गुलाई देंगे और फैब्रिक की टोटल लेंथ है 14 इंच और जो स्लीव की लेंथ मुझे चाहिए वो चाहिए मुझे 17 इंच। तो लंबाई को बढ़ाने के लिए बॉटम फैब्रिक के साथ इस पर मैं कटवर्क डिज़ाइन रेडी करूँगी। स्लीव की लूजिंग ली है 6 इंच की, इसी के साथ 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ देंगे, इसी के साथ 1.5 इंच पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर दी है। अब फ्रंट आर्म होल की गुलाई का निशान लगाएंगे। तो पहले हम फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे, कटिंग फ्रंट आर्म होल की हमें स्टिचिंग करने के बाद करनी है। तो पहले इसे बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कट करें। अब स्लीव को इस तरह से ओपन करेंगे, तो ये हमारी 2 स्लीव्स हैं। अब इन दोनों पीसेस को जोड़ने के लिए यहाँ पर आप जॉइंट लेस या फिर पाइपिंग लगा सकते हैं, तो मैं इस पर लेस अटैच करूँगी। तो मेरे पास इस तरह से एक मैचिंग लेस पड़ी हुई थी, उसी का मैंने सेंटर में यूज़ किया है। और लेस की जगह आप पोटली बटन और डोरी लूप्स के साथ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और क्योंकि स्लीव की लेंथ मुझे थोड़ी बढ़ानी है, इसके लिए बॉटम में से मैंने 8 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है, जिसके हाफ में मैंने फ्यूज़ पेपर को इस तरह से पेस्ट कर दिया है। अब फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड करें कि सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रहे। अब इसे दोबारा से डबल फोल्ड करके सेंटर में क्रीज लाइन बना लें। अब इस क्रीज लाइन के दोनों तरफ 1 इंच के डिस्टेंस पर 2 लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से। अब इन दोनों मार्किंग के ऊपर इसी तरह से स्टिच कर दें और स्टिच लगने के बाद इसे सेंटर में से कट कर दें। कटिंग होने के बाद अब इन दोनों पीसेस को पलट के सीधा करेंगे और कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ ज़रूर निकाल लें। तो दोनों पीसेस को पलटने के बाद अब इसे स्लीव के साथ अटैच करेंगे। तो दोनों पीसेस में थोड़ा सा ही गैप रखना है इस तरह से, बिल्कुल सेंटर में। अब दोनों पीसेस को स्लीव के ऊपर इस तरह से पलट के रखेंगे और स्टिच लगा के इसे अटैच कर दें। और स्टिच लगने के बाद इसे पलट के इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा दें। तो टॉप स्टिच लगने के बाद कट स्लीव बिल्कुल रेडी है। अब इसे उल्टा करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग देंगे। अब इसे 2 फोल्ड करके इस पर फिटिंग की सिलाई कर दें। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी आपने रेडी कर लेना है। स्लीव रेडी होने के बाद अब इसे कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। तो पहली स्लीव अटैच करने के लिए फ्रंट आर्म होल की कटिंग को ज़रूर चेक कर लें। कटिंग चेक करने के बाद आर्म होल में स्लीव को इस तरह से सेट कर लें और कुर्ती और स्लीव की स्टिचिंग को बराबर करने के बाद इस पर आर्म होल की सिलाई करके इसे अटैच कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लें। स्लीव्स अटैच होने के बाद बॉटम पर हमने सिंपल 2 फोल्डिंग कर दी है। आप चाहें तो बॉटम पर लेस भी अटैच कर सकते हैं। तो बॉटम फोल्डिंग होने के बाद ये हमारी साइड प्लेटेड कुर्ती बिल्कुल रेडी है। और आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।